आज हम जानेंगे ESC को कैलिब्रेट क्यों करना पड़ता है और इसे हम कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नई ESC खरीदते हो तो सबसे पहले उसे कैलिब्रेट करना चाहिए, वरना आप अपना मोटर का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ESC का कैलिब्रेशन मतलब है ESC को ये समझाना कि आपके थ्रॉटल का पोजिशन 0% कौन सा है और 100% कौन सा है। तो ESC को कैलिब्रेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए वो है ऑब्वियसली एक ESC, एक बैटरी, एक रिसीवर, आपका ट्रांसमीटर और एक मोटर। और ध्यान रहे इस प्रोसेस में मोटर में प्रोपेलर नहीं लगे होने चाहिए। तो सबसे पहले मोटर को ESC के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और ESC के सिग्नल वायर को रिसीवर की थ्रॉटल पिन में कनेक्ट कर लेते हैं। अब ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। वेलकम टू ओपन टीएक्स। अब ट्रांसमीटर की थ्रॉटल को पूरा 100% कर देते हैं। अब हमें ESC के साथ बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी को कनेक्ट करने के तुरंत बाद ही ESC को बीप बजाना स्टार्ट कर देगा। ESC के कंपनी के हिसाब से ये बीप की पैटर्न अलग भी हो सकती है। तो जैसे ही ये बीप बजना बंद हो जाए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये थ्रॉटल स्टिक को पूरा नीचे कर देना पड़ेगा, मतलब 0% थ्रॉटल पे लाना पड़ेगा। तो 0% थ्रॉटल पे लाने के बाद भी ESC कुछ और साउंड निकालेगा। तो जैसे ही ये 0% थ्रॉटल का साउंड भी खत्म हो जाए मतलब आपका ESC अब कैलिब्रेट हो चुका है। बैटरी को सीधा निकाल लीजिए। अब चेक करने के लिए फिर से बैटरी कनेक्ट कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए, अब चेक कर लीजिए। अब देख सकते हैं ESC कैलिब्रेट हो चुका है। अब अगर आपको मोटर की रोटेशन चेंज करनी हो, मतलब अगर मोटर क्लॉकवाइज है उसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना हो तो क्या करना होगा, तो आप देख सकते हो ये ब्रशलेस मोटर है तो इसमें 3 वायर्स है। तो अगर आपको मोटर की रोटेशन चेंज करनी है तो इन तीनों वायर में से किसी 2 वायर को स्वाइप कर दीजिए, मतलब इस वायर को निकल के इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को निकल के इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए इसका रोटेशन चेंज हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।